एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बुलंदशहर के ब्लॉक अनूपशहर में स्थित मोहम्मदपुर गांव पड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 13 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से यह गांव 45 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान समय में ग्रामवासियों ने सुधा रानी को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। लगभग 3500 की आबादी एवं 935 वोटरों वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव में 236 राशन कार्ड धारक लाभार्थी हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव के जूनियर हाई स्कूल में लगभग 110 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 38 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 2 हैंडपंप रिबोर कराए गए हैं। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 8 विद्युत पोल, 3 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगी हुई है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे व पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण कराया गया है। साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 120 इज्जत घरों व 6 लोहिया आवासों का भी निर्माण कराया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाला, पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्र, बारात घर, स्कूल की बाउंड्री, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान पति योगेंद्र सिंह लोधी, ग्राम मोहम्मदपुर बांगर, ब्लॉक मेरा शहर है और जिला बुलंदशहर से मैंने जो है अपने 500 मीटर नाली और लगभग जो है 400 मीटर के आसपास खरंजे नए कराए हैं और 105 मीटर और एक खरंजा है हमारा। 105 मीटर नाली और दीवार और मिट्टी का ही हमने कराया है। ये गांव में फिलहाल में सीसी की व्यवस्था अगर हमारी मेन पर हो जाए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और गांव पे मैंने कई बार तो एक्सीएल एससी से बिजली की शिकायत की है, जो राजीव गांधी विद्युत परियोजना में हमारा गांव था, लेकिन उसमें ठेकेदार और जेई की मिलीभगत के कारण हमारे गांव पर आज तक लाइन नहीं खींची है और गांव अंधेरे में जीवन यापन कर रहा है और इससे जो है काफ़ी बड़ी समस्या अंधेरे की आ रही है। एक्सीएल एससी से मैंने 2-3 बार शिकायत करी, लगभग प्रधान बनने के बाद भी बीच में भी अब भी आश्वासन मिलता है। एक बार एक सर्वे करने आए, 126 खम्भे वो बता के भी गए, लेकिन आज तक हमें एस्टिमेट नहीं मिला उसका। तो हमारे यहाँ पर और एक सफाई कर्मी, 3 गांव हैं हमारे गांव पर, 3 गांव होने के कारण एक ही सफाई कर्मी जो काफ़ी मेहनत से सफाई करता है, लेकिन फिर भी लोगों को संतुष्ट करने में असंभव है। और मेरी एक और गुजारिश है कि गांव का एक कच्चा नाला जो है अगर वह पक्का हो जाए, क्योंकि टोटल गाँव का पानी उधर से निकलता है तो प्रधान के हाथ में वो पानी रोकना सेज नहीं है, वो ठेकेदार की ही तरह से पंप वगैरह सेट लगा उस पानी को खींच करके अगर पक्का नाला हो जाए तो जो है हमारे गांव की बहुत कुछ समस्या है छोड़ हो जाए। मानदेय 3500 रुपये है, उस 3500 रुपये में प्रधान किस तरह, क्योंकि एक सफाई कर्मी की लगभग 22-23 हज़ार रुपये है, लेकिन प्रधान 3500 रुपये पर काम कर रहे हैं और फिर भी अपना कुछ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 2-4 लोग आने जाने वाले कोई जो भी कोई व्यक्ति आ जाते हैं तो 3500-3600 रुपये उससे कहीं अधिक उसमें खर्च हो जाता है। इसलिए हमें सरकार से गुजारिश है कि हमारा मानदेय लगभग 35 की जगह 7000 रुपये करने।